आ रहा हूं। वाजबीन जी, आप यहाँ इस वक्त? भिक्षा प्रार्थन को भी भेज सकती थी, लेकिन मैं जो कहना चाहती थी शायद वो ना कह पाती। कहिए। लेकिन आप अंदर आ जाएं, कहीं कुछ देख लेंगे आप। डरना छोड़ दिया जायद मैंने, अब शायद डर नहीं लगता मुझे। तुम्हारे मेरी जिंदगी में आने से यकीनन इतनी तब्दीली तो आई है मुझे। मेरे आने से तुम्हारी जिंदगी में कुछ बदला जायद? बदलने के लिए कुछ था ही नहीं, और अगर मैं अपनी सोच बदल भी लूं तो ये हालात और दुनिया तो वही रहेंगे। बड़ी मुश्किल और अज़ियत के साथ इन हालात में जीना सीख रहे हैं हम। छोटी ख्वाहिशें और उम्मीदों के सहारे जीना नहीं चाहते। मुझे लगता था कि हम औरतों की जिंदगी ही मुश्किल है, लेकिन तुमसे मिलने के बाद इस बात का अंदाजा हुआ कि मर्दों की भी जिंदगी कोई आसान नहीं होती। हम औरतें तो रो के अपना दिल हल्का कर लेती हैं, लेकिन मर्द 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 आदम की औलाद जरूर होता है, लेकिन मेरे ख्याल से कभी इंसान बन नहीं पाता। चरखा ना हो ना तो ये दुनिया तोड़ के रख देती। औरत तो हालात की मारी में मजलूम बनकर हमदर्दी बटोर लेती, लेकिन कमजोर मर्द तो वो भी नहीं बटोर सकता। तमाशा बन के रह जाते हैं। मैं पता नहीं आपसे ये बातें क्यों कर रहा हूं।